असलकम कुछ बच्चों को इशू था असाइनमेंट की सबमिशन में इसकी रिकॉर्डिंग मैंने पहले दी थी और आपको लाइव सेशन में भी बताया था मेरे ख्याल में इशू होना तो नहीं चाहिए था लेकिन स्टिल कुछ इशू थे जिनको मैं इसमें डिस्कस करूंगी इस सेशन में सबसे पहले सुल्तान सलीम की ईमेल मुझे आई है बी एस आई टी से हैं ट्वेंटी सिक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है इनके अकॉर्डिंग जो एल एम एस जहाँ पे मैंने की है, वो वर्किंग नहीं है इसलिए वो मुझे थ्रू ईमेल सबमिशन करवा रहे हैं तो बेटा थ्रू ईमेल सबमिशन नहीं होगी जो सब होंगी वो मैं एल एम एस पोर्टल पे ही चेक करूंगी पोर्टल से ही आपकी असाइनमेंट होती हैं पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि आपने ये लिंक शेयर किया था और ये समर वाला कोर्स जो है आपने वो ज्वाइन करना है डेटाबेस का माइट आपने क्लास नहीं ली हो तो हो सकता है आपको नहीं पता चला हो इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ ये आपने समर वाला कोर्सिस पहले भी होंगे स्प्रिंग के के फॉल में 21 में लेकिन आपने समर वाला कोर्स ज्वाइन करना है जब समर वाले कोर्स पे आप क्लिक करेंगे इसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है अगर मैं देखूं कि इसमें किन किन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो जहां पे आई थिंक सुल्तान सलीम आपने ये मिस्टेक की हुई है कि आपने ये कोर्स ही ज्वाइन नहीं किया हुआ और ये बात पहले भी मैंने हाईलाइट की थी क्लास में जब आपने ये ज्वाइन नहीं किया हुआ आप इसमें एनरोल ही नहीं हो तो फिर आप कैसे सबमिट करवा सकते हो और कैसे आपको लिंक वर्किंग में शो होगा और आप असाइनमेंट सबमिशन करवा सकोगे फिर आप इस तरह की ईमेल करोगे इस इशू को पहले हम डिस्कस कर चुके थे तो प्लीज अब आप खुद को इस कोर्स में एनरोल करो समर वाले में और असाइनमेंट को सबमिट करवाओ जो स्पेसिफिक जगह पे आपको कहा गया है उसी लिंक पे आपने सबमिट करवानी है इस कोर्स को आपने ज्वाइन करना है और इसी में असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो आपका इशू ये रिजॉल्व हो गया सेकंड इशू था वलीद आई थिंक ये हमारी वीक थ्री में थी आई थिंक फर्स्ट असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू वलीद स्टूडेंट uh, को मसला आ रहा है असाइनमेंट में तो आप प्लीज हमें बता दें इसमें करना क्या है समझ नहीं आ रही सब स्टूडेंट को मसला आ रहा है और समझ नहीं आ रही एक तो बात बेटा लास्ट डे पे आप ये चीज़ कह रहे हो फर्स्ट पॉइंट सेकंड इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग आपको दे चुकी हूँ और वो अवेलेबल भी है आपके लिए मैं उसको रिकॉर्ड करके सब देती हूँ अगर लाइव सेशन में भी डिस्कशन हुई थी लेकिन लाइव सेशन वाली आपने माइट भी स्किप कर दी हो या आप किसी वजह से ना सुन सके हो इसलिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो ये आ, कहने से पहले अगर आप वो रिकॉर्डिंग सुन लेते तो आपको समझ आ जाती जिनको भी इशू था एक दफा फिर से मैं बता देती हूँ क्या करना है असाइनमेंट वन थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल सबसे पहले मैंने सारे प्रोजेक्ट का भी डिस्कस किया हुआ है इससे पहले जो आपको रिकॉर्डिंग दी है कि आपने पूरे कोर्स के अंदर क्या असाइनमेंट्स करनी है पूरा कोर्स का हमारा ओवरऑल क्या एम है कि हम इसमें चार असाइनमेंट्स बनाएंगे जिसमें से सबसे पहले हमने डिसाइड करना है ये फर्स्ट असाइनमेंट है जिसको मैंने एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट आपको नाम दिया हुआ है सेकेंड में हमने कंसेप्चुअल डिजाइन बनाना है थर्ड में लॉजिकल डिजाइन बनाना है और फोर्थ में फिजिकल डिजाइन बनाना है ये सब हैं क्या इसकी डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में भी की है हमने और इसके अलावा इसमें दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ मैं बाकी को अभी के लिए स्किप कर देती हूँ शायद आपके लिए वो ज्यादा बर्डनाइज हो जाता है और आपको समझ नहीं आती कि हमने एक्चुअली में क्या करना है अभी आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि आपको पता हो कि आपने पूरे सेमेस्टर में क्या करना है अभी जस्ट इसकी बात करते हैं कि मुझे फर्स्ट असाइनमेंट जो थी इसमें आपने क्या करना है लिखा हुआ है कि एट दिस स्टेज आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ डेटाबेस आपने अपने डेटाबेस सिस्टम के कोर्स में एक डेटाबेस बनानी है डेटाबेस किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की आप बना सकते हो लाइक like, um, आपने कोई रिपोजिट्री में आपका डाटा सेव हो रहा है मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आपने न, कोई भी स्टोर बना ले आइटम्स आपके पास हैं आइटम्स कोई आपसे परचेज रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए स्टोर बना हुआ है आइटम आपसे परचेज कर रहा है आपकी रिपोर्जिटरी में से जा रहे हैं कौन सेव कर रहे हैं किसको साइन हो रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बना सकते हैं इसके अलावा मैंने आपसे कहा है यूनिवर्सिटी में आप हमारे पास स्पोर्ट्स आइटम्स हैं स्पोर्ट आइटम्स आई, जो हैं वो आप पारो करते हैं और पारो करके रिटर्न कर देते हैं तो इसके लिए भी बना सकते हैं कोई भी आपने सोचना है कि आप किस चीज के लिए इस कोर्स के अंदर आपने एक डेटाबेस बनानी है किसी भी सिस्टम की वो आपने सबसे पहले इस स्टेज पे डिसाइड करना है कि आप किस सिस्टम की बनाओगे कुछ भी हो सकता है डेटाबेस बनानी है हमने जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स सेव होंगे अब आप सबसे पहले अभी तक आपने सिर्फ मुझे बताना है कि किस सिस्टम के लिए आपने डेटाबेस बनाओगे ऑब्जेक्टिव क्या मकसद है स्कोप क्या है स्कोप मैंने डिफाइन पहले भी किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा स्कोप के हमारे पास कितना टाइम है अभी आप अगर आपके पास 1.5 मंथ uh, है या टू मंथ्स है तो टू मंथ्स के अंदर डेफिनेटली हम बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट तो नहीं ले लेंगे स्कोप स्कोप का मतलब ये है रियलिस्टिक हो कि हम मंथ्स के अंदर फॉर मैंने रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं तो 10 को मैं इम्प्लीमेंट करके बना सकूँगी सारी चीजें ताकि मैं क्लियर उसका ईयर ER बना लू रिलेशनल मॉडल बना लूँ फिर फिजिकल डिजाइन एसक्यूएल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लू मैं विद लिमिटेड टाइम जो मेरे पास अवेलेबल टाइम है उसके अंदर रहते हुए मैं ये सारा काम कर लू तो आपने यहाँ पे स्कोप का मतलब है है डिफाइन करना है कि मैं किन किन चीजों पे काम करूँगा ये जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ जैसे मैंने आपसे एक रिपोजिटरी मैनेज करने का स्टोर के आइटम्स मैनेज करने का कुछ भी ऑनलाइन स्टोर बनाने का कुछ कहा है कि कोई आप प्रोजेक्ट डिसाइड कर लेते हो कि आप इसकी डेटाबेस बनाओगे इस कोर्स के अंदर अब उसमें कौन किन किन चीजों पे आप काम करेंगे वो तो वास्ट जितना करना चाहे हम वास्ट करते जा आ, कर सकते हैं हंड्रेड रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं उसकी फंक्शंस ऐड कर दे मल्टीपल फंक्शंस कौन कौन से फंक्शनैलिटी आपका पार्ट होगी और कौन से फंक्शन आपके सिस्टम का पार्ट नहीं होंगे आपने एक बाउंड्री ड्रा करनी है कि ये चीजें मैं करूंगा और ये चीजें मैं नहीं करूंगा ये चीज मेरे स्कोप का पार्ट नहीं है मेरे ड्यू टू लिमिटेड टाइम जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है उस टाइम के अंदर हम इतना काम कर सकते हैं हम ये वाली फॉर एक्साम्पल ये दस रिक्वायरमेंट ये पांच रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पे मैंने काम करना है और मैं कंप्लीटली इसको करूंगा लास्ट पे आपकी जो असाइनमेंट जब से आपने इम्प्लीमेंटेशन जो कर लेंगे जब आपकी डेटाबेस को चेक किया जाएगा तो वो देखा जाएगा कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हुई हैं या नहीं वो जो रिक्वायरमेंट आपने पहली स्टेज पे डिसाइड की थी यहाँ पे डिसाइड की थी ये रिक्वायरमेंट वो सारी इम्प्लीमेंट हुई हुई है कि नहीं उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड में डाटा मौजूद है या नहीं उनके अगेंस्ट अगर मैं क्यूरी करूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं तो वो चेक किया जाएगा अगर मैं कोई ऐसी चीज चेक करती हूँ लास्ट में आपकी डाटाबेस के अंदर से फॉर एग्जाम्पल आपने उसकी रिक्वायरमेंट इधर कही नहीं थी स्टोर आइटम्स आप मेंटेन कर रहे थे तो आप फाइनेंस को फॉर एग्जांपल नहीं कर रहे तो मैं कहती हूँ कि आपकी पेमेंट कहाँ से आ रही है तो किस मेथड के थ्रू हो रही है डेटाबेस में पेमेंट कहाँ सेव हो रही है तो आप कहते हो हमारे स्कोप में का ये पार्ट नहीं था ये यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हम लिखा है तो जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करना है स्कोप डिसाइड करना है कि बाउंड्रीज डिफाइन करनी है कि कौन सी चीजें आप करोगे उन रिक्वायरमेंट को क्लियर लिए आपने मेंशन करना है बिजनेस नीड क्या है क्या जरूरत है क्या यूजर की रिक्वायरमेंट्स है बस यही है दिस विल हेल्प ऑनलाइन ये आगे है कि आप इसके बाद जो ई आर मॉडल बनाओगे एंटिटीज़ आपने फाइंड आउट करनी है आपने उसमें से रिलेशनशिप निकालने हैं और एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स क्या हैं तो वो आपको फाइंड आउट करने में ये वाली डॉक्यूमेंट हेल्प करेगी डेफिनेटली आप इसको देख के ही बनाओगे तो इस स्टेज पे सिर्फ आपने मुझे बताना है कि आप क्या काम करने जा रहे हो Hmm, किस चीज सिस्टम के लिए डाटा बेस बना रहे हो वो डाटा बेस की पर्टिकुलर क्या रिक्वायरमेंट requirement? क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी आपने क्लियरली मेंशन कर देना है ये असाइनमेंट का मीनिंग यही है आप एक पीडीएफ की फाइल सबमिट करवाओगे वर्ड में बनाए उस पी में सेव कर दें या आपने टेक्स की फॉर्म में ये लिखना है मैंशन करना है और बताना है कि आपके सिस्टम के अंदर ये ये चीजें होंगी मैक्सिमम वन टू टू पेज होंगे और इस पे डिस्कशन हमारी नेक्स्ट सेशन में होगी अभी तक मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि सिक्स सबमिशन हुई है, आप लोग ट्वेल्व वो यहाँ पे इलेवन शो हो रहे हैं तो कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ ये सिक्स सबमिशन हो चुकी हैं बाकी आप देख लें जिन लोगों ने नहीं सबमिट करवाई में बल्कि वो भी आपको दिखा देती हूँ जो सबमिशन नहीं हुई मोहम्मद उस्मान सबमिशन नहीं हुई, हुई वलीद महमूद नहीं है सबमिटेड मोहम्मद हसीब जाहिद नहीं है हारून खान नहीं है सबमिटेड शाहजेब की भी नहीं है असाइनमेंट आई I... हारून आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है मेरे ख्याल में आपकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई हुई तो आप ये देख लें नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा मंडे uh, को वो मैंने ये आपकी असाइनमेंट चेक करनी है और इस पर डिस्कशन करनी है क्या इश्यूज है और फिर आप उन इश्यूज को भी रिजॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट उसका ईआर डिजाइन आपने सबमिट करवाना है होप्स so, हो आपके इश्यूज सॉल्व हो गए होंगे स्टिल अगर कोई इशू हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो ईमेल आप करेंगे मैं वो रेक्टिफाई कर दूंगी आपके इश्यूज को